आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म खस्ता और स्वादिष्ट कचौड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप देख सकते हैं कि कितना खस्ता है। तो आइए आज की हम मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये जितना बनाने में आसान है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच सरसों, अब आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा सरसों जैसे ही चटक जाएगा अब इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक बारीक कटी हुई। अदरक का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे भूनकर। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च दोनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से चला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो इसी तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच किचन किंग मसाला और आधी चम्मच जीरा पाउडर। सभी को हम एक साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। मसाला डालते समय गैस का फ्लेम लो करके रखें जिससे कि मसाले ना जले। लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन धनिया पत्ती अगर आप ऐड करेंगे तो लास्ट में ऐड करेंगे, और अगर कसूरी मेथी डालेंगे तो बस इसी समय कसूरी मेथी ऐड करेंगे जैसा कि मैंने किया है। तो सारे मसाले प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू को मैंने उबाल कर अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को प्याज और मसाले में अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। आज की इस कचौड़ी को सुपर टेस्टी बनाता है आलू का ये मसाला। आपने सारे मसालों को प्रॉपर तरीके से डाल दिया है, आलू को अच्छे से भून लिया है, तो सुपर टेस्टी कचौड़ी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे मसाले प्याज आलू में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आलू का ये मसाला बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं आगे के स्टेप में। तो मैं ले लूँगी एक बॉल, उसमें जाएगा 2 कप मैदा। मैदा अच्छे से छान कर ले लेंगे। आप चाहें तो मैदा की जगह पर आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और 1 बड़े चम्मच घी या फिर तेल। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हाथों से इसे रगड़कर तेल और नमक को मिक्स कर लेना है। मैदा अगर ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो आप इसमें 1 चम्मच और घी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मुट्ठी बन जाए तो आप समझिए कि घी आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हींग वाला पानी। तो 2 चुटकी हींग को मैंने पानी में 10 मिनट के लिए अच्छे से भिगो कर इसमें ऐड कर दिया है। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से डो लगाकर तैयार करें और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि डो ज़्यादा गीला ना हो पाए। बिल्कुल सॉफ्ट करके ही इसे रखना है लेकिन गीला ना करें। डो लगकर तैयार हो चुका है तब हम इसे ढक देंगे और इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद वापस से ढक्कन को हटा लेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिला लेने के बाद एक बड़ा सा लोई तोड़ लेंगे। अब इस लोई को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें सूखे मैदे लगाकर रोटी जैसा बेलकर इसे तैयार कर लेंगे। तो बस जैसा आप रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसे भी बेलकर तैयार कर लीजिए। वैसे तो ये मैदा है, इसे बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सूखे मैदे लगाकर इसे बेलेंगे ना तो आप इसे बहुत अच्छे से बेल पाएंगे। तो बस सूखे मैदे लगाकर अच्छे से रोटी की तरह बेल लीजिए। जिस तरह से आप रोटी को पतला बेलते हैं बस उसी तरह से इसे भी पतला ही बेलना है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब इसके ऊपर तेल लगा देंगे। तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। आप तेल या घी जो भी लेंगे उसे इस तरह से हाथों से अच्छे से फैलाकर पूरे रोटी में लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। मैदे को भी बिल्कुल इस तरीके से फैलाकर अच्छे से लगा लेंगे। मैदा लगाने के बाद रोटी को इस तरीके से मोड़ लेंगे, फिर इसके ऊपर वापस से तेल लगाकर तेल को फैला लेंगे और फिर उसी तरह से इसके ऊपर तेल लगाने के बाद सूखा मैदा लगा लेंगे। सूखे मैदे को भी फैला लेंगे। इसे फैला लेने के बाद दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। रोटी को इस तरफ से भी फोल्ड कर लेने के बाद वापस से इसमें तेल लगाकर तेल को अच्छे से हाथों से फैला लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से वापस से सूखा मैदा लगाकर सूखे मैदे को भी फैला लेंगे। मैदा लगा लेने के बाद नीचे से इसे धीरे धीरे फोल्ड करना शुरू करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लेने के बाद अब क्या करेंगे कि इसके किनारे को अच्छे से चिपका करके
और इसे चाकू की हेल्प से अच्छे से काट लेंगे। बिल्कुल आराम से इसे काट लीजिए, थोड़ा सा सेब बिगड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, इसे वापस से हम ठीक कर लेंगे। तो बस इसे हल्का सा हाथों से दबाकर इसके सेब को ठीक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा। हाँ, अब क्या करेंगे कि एक को साइड कर देंगे और दूसरे को हल्का सा हाथों से चपटा करके इसमें सूखा मैदा लगा लेंगे। और सूखा मैदा लगा लेने के बाद इसे पूरियों की तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप पूरी बेलते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी बेलकर तैयार कर लेंगे। पूरियाँ बेलकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल इतने बड़े साइज में ही आपको ये पूरियाँ बेलकर तैयार कर लेना है। तो पूरियाँ बेल लेने के बाद अब हम इसमें आलू का मसाला डाल देंगे। आलू का मसाला डाल लेने के बाद किनारों पे हम पानी लगा लेंगे, जिससे कि हम इसे अच्छे से चिपका सकें। तो इस तरह से चारों तरफ से आप पानी को लगा लीजिए और चारों तरफ के किनारे को अच्छे से धीरे धीरे फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल फोल्ड करके इसे पोटली जैसा बनाकर तैयार कर लेना है, जैसा कि आप जनरली कचौड़ी बनाने में पोटली बनाकर तैयार करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इस तरह से पोटली बनाकर ऊपर का एरिया है उसे अच्छे से हाथों से दबाकर सेट कर लीजिए। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे तोड़कर हटा लेंगे और इसी तरीके से सभी को बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये मोमो का डिज़ाइन है और दूसरी साइड से तो तलने के बाद लेयर बनकर तैयार हो ही जाएगा। सभी को इस तरह से कर लेने के बाद अब हम चलते हैं इसे तलने के स्टेप में। तो तेल को बिल्कुल हल्का गर्म रखेंगे, आप सभी को हम इसमें डालकर तलना शुरू कर देंगे। तलते समय आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे ही इसे तलेंगे तो लेयर वाले डिज़ाइन विजिबल होने लगेंगे, यानी कि ये अच्छे से धीरे धीरे उभर कर आने लगेंगे। अगर आप जल्दबाजी में हाई फ्लेम पे इसे तल लेंगे तो लेयर का तो पता नहीं, लेकिन बबल्स ज़रूर आपको दिखने लगेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप इसे लो फ्लेम पे ही तले, जिससे कि बहुत ही परफेक्ट बनकर ये तैयार हो। तो एक तो इसमें मोमोज का डिज़ाइन है ही, साथ में इसमें लेयर वाले भी डिज़ाइन उभर कर आएंगे। बस पेशेंस के साथ इसे लो फ्लेम पे तलना शुरू कीजिए आप। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। तो कलर चेंज होते ही आप गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे 2 मिनट इसे और चलाकर फिर इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका लेयर दिखने लगा है। लेयर दिखने के साथ साथ कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छे से तल गया है, तो इसे निकाल कर टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पर रख लें। आलू की इस कचौड़ी को आप खाएंगे ना तो लंबे समय तक इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। ये दिखने भी बहुत परफेक्ट है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। आप देख सकते हैं कि एक ही कचौड़ी में दो दो डिजाइन है, एक साइड से ये मोमोज का डिज़ाइन है तो दूसरे साइड से लेयर वाले डिज़ाइन है। सारी कचौड़ियाँ तल लेने के बाद आप चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। इसे सर्व करना बहुत आसान है, तो फटाफट से इसे प्लेट में रखिए और अपनी मनपसंद चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए। ये कचौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ती बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं, इसका आवाज़ सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खस्ती और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपना सुझाव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिए। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।